गरीब को वही तो कर रहा हूँ, गरीब को लिए कुछ नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ है। गरीब आदमी को बातें मानने लगे तो फिर गरीबी नहीं दूर हो जाए। बड़े बड़े दावे बड़े के लिए होते हैं, छोटे के लिए कुछ नहीं होते। बात अभी तो कहिएगा तो एक भिखारियों से बात करेगा, और जीत जाने के बाद फिर किससे बात करेगा? फिर तो हमारे ऐसा ऐसा कहेगा हटा हटा। सबसे बड़ा चीज तो कानून लूज है, जो गलत काम किया सीधा खत्म कर दो, नहीं केस चलेने मुकदमा। जो भिखारी पार्टी होगा उसी को दे देंगे, ऐसा काम कोई नहीं है करता तो भिखारी एक दे देंगे। इस देश में सब है बिकाऊ, अब ये अंदाजा लगाओ बिकता कितना में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और देश में चुनाव की सरगर्मियां आपको देखने को मिल रही है। अभी हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, पब्लिक ओपिनियन के लिए जनता की राय जानना चाहते हैं। हमें यहाँ मिले एक चचा जो वजन के मशीन के साथ वजन नापने का काम करते हैं। कितनी कमाई हो जाती है, घर चल जाता है इससे? घर इससे कहाँ चलेगा, 100-150 रुपये हो जाता है, बहुत काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है, सरकार ने किया नहीं कुछ आपके लिए? हमारे लिए क्या सरकार करेगी, हम तो बैठे हैं, कोई काम ही नहीं होता, कोई रोजगारी नहीं। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। बड़े बड़े दावे बड़े के लिए होते हैं, छोटे के लिए कुछ नहीं होते। आपके लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या तो फिर क्या चाहते हैं 2024 में, किसको लाएंगे? आएगा तो जिसका होगा नसीब में वो आएगा, हम क्या कहेंगे, जिसका भाग होगा वो आएगा। आप किसको लाना चाहते हैं, मोदी? हम किसी को नहीं लाना चाहते, हमको कोई कुछ देता ही नहीं, कुछ करता, हम क्या किसी को? मोदी या राहुल, ऐसे पूछा जा रहा है। पूछने से कुछ नहीं, हम किसी को नहीं देंगे वोट। वोट नहीं देंगे? वोट तो आपका अधिकार है ना। अधिकार है तो किसी को जिसका इच्छा होगा दे देंगे, कोई भिखारी को। भिखारी को किसको देंगे? जो भिखारी पार्टी होगा उसी को दे देंगे, ऐसा काम कोई नहीं है करता तो भिखारी को दे देंगे। मोदी जी तमाम काम गिना रहे हैं, 9 साल बेमिसाल है, कैसे कह रहे हैं आप? कह तो रहे हैं उसी के लिए हो रहा है जिसको है, हमारे सबको लिए क्या किया, किसके लिए आज किसके लिए काम हुआ है, किसके लिए काम हुआ है? काम तो जिसे जो हुआ देश के लिए ठीक हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब को जो विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उसका कुछ है नहीं, उसको तो कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या फायदा? देश के लिए काम किया है मोदी ने? देश के लिए तो जो हुआ जो सही है हुआ। क्या क्या कुछ किया है? सही सही बहुत कुछ किया है, बताइए ना, 2-3 काम गिनाइए, बताइए। बताने का तो सब कुछ बनाया, नया नया काम किया, जैसे इंडिया गेट पर भी इतना रुपया लगा दिया काफ़ी, और अनेकों काम बहुत किया है, राम मंदिर उधर बनवा दिया, काम तो किया है देश के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि सारा पैसा बर्बाद किया है इंडिया गेट पर, पहले जो था अभी कर्तव्य पथ करके नाम बदल के पैसा बर्बादी खाली किया है। बर्बादी तो खैर नहीं हुआ, पैसा पैसा तो अच्छे जगह पर यूज हुआ कि जो कि दुनिया आदमी देखेगा, आंख पसार के देखेगा कि कहाँ रुपया लगा। पहले भी इंडिया गेट वैसा ही दिखता था? पहले तो दिखता था ऐसे, लेकिन ऐसा तो नहीं है दिखता था, पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। नए संसद भवन पर बताइए कितने करोड़ों पैसे खर्च कर दिए? लग तो गया रुपये इतना हमारा इंडिया के अंदर है कि रुपया संभाल नहीं पा रहा, कहाँ गरीबी में जा रहा है। तो गरीब को वही तो कर रहा हूँ, गरीब को लिए कुछ नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है इंडिया के अंदर, इसके ऐसा पूरा वर्ल्ड में नहीं है देश, कोई देश नहीं इससे बढ़िया। क्या है इंडिया में, कैसे इंडिया? इंडिया में कि कैसनो आदमी आता है कमा खा लेता, और चले जाओ कोई कंट्री में भूखे मर जाएगा, वहीं भटक जाएगा, ये हिसाब है। तो आप खुश हैं, आप अपने काम को लेकर खुश हैं? अब तो जो जितना कमा रहे उतने हम तो खुश हैं, और क्या करें, जितना कमा रहे उतने माँ बाप खुश हैं। घर चल जाता है इससे? घर तो खैर नहीं चलता है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में तो हैं 6-7 हैं। कितने लोग कमाने वाले हैं? कमाने वाले 3 हैं। तो सब मिला जुला परिवार कहाँ रहता है? यहीं दिल्ली में। सब मिला जुला कर मतलब दिन काटना पड़ता है कि ठीक ठाक से चल जाता है? वो काटने वाली बात है, ठीक ठाक कहाँ चलेगा, हाँ। समय काटने वाली बात है। अच्छा, राशन मिलता है सरकार से? राशन मिलता है। तो फिर सरकार अच्छी है, कर रही है कुछ? राशन मिलता है, हाँ। लोग इस बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं।
अब क्या काम कर रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या काम कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, गरीबों को अपने डाइनिंग टेबल पर बुला के खाना खिला रहे हैं। अरे एक दिन खिला देने से क्या हो जाएगा, एक दिन खिलाने से क्या होता, कुछ भी नहीं होगा। जनता से बात तो कर रहे हैं, कोई नेता जाता है बात करता है? बात अभी तो कहिएगा तो एक भिखारियों से बात करेगा, और जीत जाने के बाद फिर किससे बात करेगा, फिर तो हमारे ऐसा ऐसा कहेगा हटा हटा जाओ उधर, ये हिसाब है। बड़का के बात करेगा, छोटका को तो वहाँ जाने नहीं देगा। क्या कहेंगे, आप ही इनको चुनकर सत्ता में भेजते हैं और आप ही के साथ जो है इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं ये? उसके हम क्या बता सकते, दूसरे के बात को हम क्या बताएं। तो आप सवाल नहीं करते, आपका काम है ना सवाल करना, आप भेजते हैं उन्हें। करने से हमारे से क्या हो जाएगा, हमारे कोई बात मानता है? क्यों क्यों आपकी कोई बात क्यों नहीं मानता? कोई नहीं मानता गरीब को बात। गरीब आदमी को बातें मानने लगे तो फिर गरीबी नहीं दूर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो गरीबों की सरकार है, गरीबी खत्म कर रहे हैं। गरीबी खत्म करते तो फिर ऐसे हाल होता हमारे, बताइए। कितनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, आवास की योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना। गरीब आदमी को नौकरी नहीं होना है सीधा हम जानते हैं, सब बड़े बड़े को होगा। युवाओं के लिए स्किल इंडिया और पता नहीं क्या क्या चीजें लाए हैं। निकाले थे 6 साल की सर्विस, उसमें गरीब को घर में जाता नौकरी और वो बढ़िया था, उसको लागू नहीं होने दिया तो कहाँ गरीब को काम हुआ। उसमें कितने करोड़ आदमी जाता गरीब को बच्चे 6 साल वाले में, अभी वाले में कई वो जाएगा, सब बड़े बड़े घर का जाएगा नौकरी, जिसके पास पैसा है वो भर देगा। अग्निवीर की बात कर रहे हैं? हाँ, अगली जो हुआ था लागू 6 साल की नौकरी और 12 लाख कितना रिटायरमेंट मिलता, अपना उससे कमाओ खाओ। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के, और क्या खिलवाड़ी है, खिलवाड़ी किया जा रहा है। वो कह रहे इससे रोजगार की ज्यादा संभावना, जो गरीब का ही ज्यादा वोट है आज के जमाने में, जितना गरीब का वोट है उतना अमीर का वोट है ही नहीं। फिर भी डर नहीं लगता उनको आपसे? डर नहीं लगता इसलिए ना तवा चता हो रहा। तो आप लोग क्यों नहीं डराते हैं? हम कहते ये कि मानने का देश में ऐसा काम ही नहीं होगा। लागू तो किए थे, मंत्री तो थे, लागू किए थे तो क्यों नहीं चलने दिया? जब सरकार को ही दबा दिया तो हमारे क्या पूछे, हमारे क्या वैल्यू रह गया? किसको दबा दिया, किसकी बात कर? अरे जो लागू कानून हुआ था ये दब गया ना, तो सरकार लागू किया था ना। कौन सी कानून? और वही नौकरी वाले जो 6 साल वाली, वो सरकार ही तो लागू किया था और दब भी किया। नहीं, अग्निवीर तो अभी है ही, कहाँ है, वो खत्म हो गई। आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर तो अभी भी लागू है। लागू कहाँ है, लागू होने के चक्कर में तो कितना ट्रेन में आग लग गई लागू एक चक्कर में। क्या चाहते हैं आप, अग्निवीर आए कि नहीं आए? पब्लिक का कहाँ हो रहा, कोई उपाय नहीं, नौकरी गरीब का। साफ तौर पर आप गरीबों की भलाई चाहते हैं, गरीब की आवाज़ सुने सरकार। हाँ तो गरीब को कौन देख रहा है बताओ, गरीब को कोई नौकरी करा, मैं ऐसे बैठे पड़े, बच्चे सब पढ़ लिख करके ढनमक ना रहा इधर उधर। राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो गरीबों पर ध्यान देंगे। अरे वादा करने वाला कितने आया कितना गया, और क्या करेगा, कह तो दिए कि इस देश में सब है बिकाओ, अब ये अंदाजा लगाओ बिकता कितना में, ये हिसाब है। सब कुछ बिकाऊ है, सब कुछ बिकाऊ है। बेचने वाला कौन है? बेचने वाले, खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी हैं। हम अभी आपको मर्डर कर दें, हम रोड पर घूमेंगे, हमारे जगह पर दूसरा जेल में जाएगा, तो क्या हुआ, बिकाऊ है क्या है देश? जो गलत काम किया सीधा खत्म कर दो, नहीं केस चले ना मुकदमा, तब उसका माना जाता, देखो कि नहीं शासन लागू हो जाता। कानून व्यवस्था से भी काफी तो कानून लूज है ना यहाँ का, सबसे बड़ा चीज तो कानून लूज है। हम जेब भाव को काट ले, उसके बाद हम घूरते रहे रोड पर, तुम्हारा सामान गया तो क्या हुआ? उन सब के लिए संविधान है, इंडियन पीनल कोड के द्वारा उसको सब मिले भगत है, वो सब कुछ नहीं होते होने वाला। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि गरीबों की जो है वो कोई नहीं सुनता, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।